गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कल जो तेज़ बारिश में है ना, मैंने तरबूजा तोड़ा था उसको दिखाती हूँ काट के, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि बिल्कुल फीका निकलेगा, बारिशों का अच्छा नहीं निकलेगा, पर आपको यकीन दिलाती हूँ मैं कितना प्यारा कलर है और बहुत मीठा था, बिल्कुल मिश्री के जैसा। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, पहला तरबूज मैंने जो हार्वेस्ट किया अपनी छत से, बहुत ही मज़ा आया मुझे और बिल्कुल मीठा निकला है चाशनी जैसा, इतना अच्छा कलर देखो आप बाजार को कभी नहीं मिलता इतना अच्छा। तो ये मैंने काट लिया है, पर आज मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप हमेशा मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं, आज मैं उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ इस वीडियो में अपनी हार्वेस्टिंग दिखाने के साथ साथ। ये तो मैंने तेज़ बारिश में कल की थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ तरबूजा काट के, और है ना आज की हार्वेस्टिंग के साथ साथ मैं आपको है ना आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ, संतुष्ट करने की कोशिश करती हूँ। बहुत स्वागत है आपका सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और कल की बहुत तेज़ बारिश के बाद आज सुबह सुबह से ही धूप निकली हुई है बिल्कुल। ये देखिए तैयार हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट, और इतनी तेज़ 7:15 बजे हुए हैं आज, तो भी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। और ये देखिए करेले अब मेरे लिए ढूंढना भी मुश्किल हो गया है, ऐसा पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है बार बार, कितने पत्ते हटाती हूँ मैं उसके बाद भी ऐसा होता है कि बेलें इतनी घनी हो जा रही हैं बारिशों की वजह से, और है ना मेरे लिए सब्जियाँ ढूँढना मुश्किल हो गया है। करेले तो विशेषकर बहुत ही मुश्किल होते हैं, और आज मैं कुछ पत्ते इनके हटाने वाली हूँ यहाँ से फिर से, जिससे कम से कम हवा तो इधर उधर से जाती आती रहे इनमें से। तो बीन्स की हार्वेस्टिंग के साथ हम लोग शुरू करते हैं, देखते रहिएगा। बीन्स तोड़ रही हूँ आज मैं, काफ़ी दिख रही थी कल मुझे क्योंकि, और लॉन्ग बीन्स और चौले की बीन्स दोनों है ना मैं तोड़ने वाली हूँ, ग्वार की फली आज नहीं तोड़ूँगी मैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल मेरे से होता है कि इतने सारे कीड़े लगे हुए हैं हमारे, ये सफ़ेद मच्छर लगा हुआ है हमारे प्लांट्स में, पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फिर ग्रोथ ही नहीं हो पा रही हमारे प्लांट्स में सब कुछ सही होने के बाद। तो मैं आपको देखो सिलसिलेवार इस चीज़ के लिए आंसर करती हूँ कि आपके पेड़ में अगर ग्रोथ नहीं हो रही, आपने खाद भी अच्छी डाली हुई है, पानी धूप भी ठीक तरह से मिलता है, तो आपकी इस मिट्टी में फंगस की समस्या होती है। और ये 90% लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी में फंगस होता है तो पता नहीं चलता, आपका प्लांट अच्छी तरह से बढ़ नहीं पा रहा होता और हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। पहले ऐसा हमारे साथ भी होता था, पर बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी की फंगस दूर की जाए प्लांट्स लगाने से पहले, या बाद में भी अगर आप कोशिश करते हैं तो प्लांट्स को थोड़ा सा नुकसान तो हो ही जाता है। तो उसका सबसे अच्छा और सरल उपाय यह है कि जब भी आप कोई भी प्लांट लगाएं अपना, तो अपनी मिट्टी को 2-3 दिन अच्छी धूप ज़रूर लगाएं, जो उसमें सारे जो बैक्टीरियाज ख़राब वाले हैं या फंगस है वो स्टरलाइज हो जाए। सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका यही है कि आप अपनी मिट्टी को धूप लगाएं, और धूप लगाने के बाद ही आप अपनी मिट्टी में को तैयार करें, उससे पहले तैयार ना करें सब चीज़ें डाल के। तो ये हमारे साथ तो हमेशा होता है, मैं तो कभी बिना धूप के तैयारी नहीं करती, और मेरी छत तो बिल्कुल ओपन है तो बहुत अच्छी धूप मिलती रहती है पूरी गर्मियों में मेरे प्लांट्स को, सर्दियों में भी इवन। तो बिना मिट्टी में धूप लगाए आप कोई भी चीज़ तैयार ना, इवन आप खाद डालते हैं ना या गोबर की खाद डाल रहे हो या वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो, उसको भी पहले आप धूप में फैलाएँ 1-2 दिन, तब आप अपने प्लांट्स में मिलाएँ। दूसरी बात जो है, कुछ लोग कह रहे थे मेरे से, पूछा फेसबुक पे भी उन्होंने कि है ना हमारे सरसों की खली डालने के बाद फंगस ऊपर दिखाई दे रही है, बिल्कुल। तो आपको मैं बताऊँ, इतनी मोटी मोटी डलियाँ दिख रही थी उनके मिट्टी में सरसों की खली की और गोबर की खाद की। आप कोशिश यही कीजिए कि आप है ना अगर मिट्टी में सरसों की खली मिला रहे हैं सूखी, तो पाउडर फॉर्म में ही मिलाएँ, अगर आपके पास टुकड़ा फॉर्म में है तो उसको पीस के पाउडर फॉर्म कर लें। तीसरी बात, लोग पूछ रहे हैं कि खाद का रेशियो रखें तो रखें कितना, सरसों की खली है नीम की खली है, वैसे तो मैं आपको कई वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ, पर मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि अगर आपका एक 12 इंच का पॉट है और आपने उसमें 25-30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाई है अपनी मिट्टी में, तो आप उसमें एक दो मुट्ठी अंदाजे से सरसों की खली एक मुट्ठी डाल ली, नीम की खली 2 मुट्ठी डाल ली, और जो सूखा अगर आप सीवीड डाल रहे हैं या जाइम डाल रहे हैं तो 1 या 2 चम्मच मिला लिया, बस अंदाजे से। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट अनुपात नहीं होता कि है ना आपको इतना ही मिलाना पड़ेगा जब ही ठीक है, मैं तो सब कुछ अंदाजे से ही मिलाती हूँ हमेशा, कभी ज़्यादा होता है मेरे पास तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, नहीं तो कम होता है तो कम पड़ जाता है।
तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है जिससे आपकी है ना जो गार्डनिंग है वो है ना प्रभावित होती हो। कोई ज़रूरी बात नहीं होती कि क्या अनुपात रखा है आपने। थोड़ा बहुत अगर ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा भी हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती आपके प्लांट्स को, धीरे धीरे रिलीज़ होती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें। बोन मील है तो जैसे एक दो चम्मच आपने डाल दिया 12 इंच के गमले में, और अकॉर्डिंगली उसी तरह से बड़ा अगर आपका पॉट है तो बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, और छोटा है तो कम कर दीजिए थोड़ी सी। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कि हमारा कम ज़्यादा हो गया है। बहुत बहुत ही अगर ज़्यादा डाल दिया है आपने तो नुकसान होता है प्लांट को, अदरवाइज़ कोई नुकसान नहीं होता। एक दो मुट्ठी आप ये सूखी जो चीज़ें हैं ना जो अपन एक दो किलो के हिसाब से लाते हैं वो डालते रहिए हमेशा। तो ये एक बात हो गई आपकी है ना। और इसी तरीके से अगर आप मिट्टी तैयार करेंगे तो आपका पौधा जो इम्यून होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 50-60% जो रोग होते हैं ना वो, अगर आपका पौधा बहुत अच्छा इम्यूनिटी रखता है अपने अंदर, स्वस्थ है बिल्कुल मिट्टी में लगा हुआ, तो वो लगते ही नहीं है फिर उसके बाद। वो रेजिस्ट होता है उनको है ना, बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और नहीं लगने देता वो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप किचन गार्डनिंग में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाइए जिससे उसमें एक हेल्दी पौधा जन्म ले। तो ये बात हो गई एक तो, है ना। अच्छा, और है ना कटिंग के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पिंचिंग के ऊपर। बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि आप 2G या 3G कटिंग करती हैं क्या। मैंने 2G 3G एक बार एक साल बिल्कुल नियम से की थी, पर मुझे नहीं लगता कि उसको इतना ज़्यादा, मेरी बहुत बेलें होती हैं तो मेरे को याद रखने में बड़ा परेशानी होती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि नियम अनुसार 3G कटिंग करूँ मैं। पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए। मैं आपको बताऊँ, अगर आपका पौधा जैसे 1-2 मीटर लंबा हो जाता है, वैसे तो मैं आपको डिटेल वीडियो दिखाऊंगी इसमें, उसके बाद आप उसकी पिंचिंग ज़रूर करें। और कुछ नीचे टहनियाँ निकली होती हैं 1-1.5 मीटर तक, तो उनको निकलने मत दीजिए। इसलिए नहीं कि ना वो ख़राब होती हैं, इसलिए कि वो मिट्टी में फिर टच होती हैं तो आपको भी वही प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरह से पिंचिंग करेंगे तो भी आपका प्लांट बिल्कुल स्वस्थ और बढ़िया चलेगा। कोई नियम से 3G कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती कि ना 15 पत्ते गिनिए या 13 पत्ता गिनिए फिर आप काटिए। तो मैं तो इसको बिल्कुल मैंने कभी नहीं है ना अपने प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा असर देखा, मैंने करी है 2 साल बिल्कुल नियम से। तो एक ये बात देखो, आप कितनी अच्छी लॉन्ग बीन्स उतर रही हैं आज, मज़ा आ जाता है इनको भी देख के, स्नेक जैसी लगती हैं ये। और सबसे है ना इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको बार बार अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि आप प्रिकॉशनरी स्प्रे करिए। अगर आप ऑर्गेनिक खेती के शौकीन हैं, जो कि मैं मानती भी हूँ कि अगर आप छत पे ही उगा रहे हैं और फिर भी केमिकल से उगा रहे हैं तो क्या फ़ायदा निकला, बाज़ार से ही खरीद लेते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक उगाने के शौकीन हैं तो आप इंतज़ार मत कीजिए कि ये कीड़ा लग जाएगा तो हम स्प्रे करेंगे। मैंने आपको हमेशा अपने वीडियोज़ में बताया है कि जब पौधा निकल आता है और लगभग 10-15 दिन का हो जाता है तब से आप स्प्रे करना शुरू कीजिए। चाहे आप सिर्फ नीम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई और है ना फ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर जैसे मैंने निफ्को से अभी आपको दिखाया था पिछली बार मंगाया है पेस्टिसाइड वो इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी आप जो इस्तेमाल करो, बायो एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हो या फिर है ना वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो आप पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, या आप प्रिकॉशनरी स्प्रे करें। प्रिकॉशनरी का मतलब है आप आपके कोई भी कीड़ा लगने से पहले से ही अपने प्लांट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हर हफ्ते हल्का स्प्रे करें। बहुत तेज़ गर्मी में मैं बंद करती हूँ बस, सिवाय उसके मैं हमेशा कर। अब बारिश में तो इतने, जैसे ही धूप निकलती है वैसे ही इतने कीड़े आ रहे होते हैं, तो आप ये देखो मैं हर तीसरे दिन स्प्रे कर रही हूँ। अभी भी मैं स्प्रे करके बिल्कुल सुबह सुबह ना चुकी हूँ, ये पहले स्प्रे किया है मैंने अपने प्लांट्स पे नीम ऑयल का, अजा पावर का, और है ना आप ये देखो बिल्कुल लगातार स्प्रे कर रही हूँ मैं, इसलिए कि कोई बैठ ही ना पाए कीड़ा। उसके बाद क्योंकि बारिशों में बड़ा संभालना मुश्किल होता है, पेड़ इतने घने हो जाते हैं कि वो फैलता चले जाते हैं फिर कीड़े, इसलिए मैं आपको हमेशा याद दिलाती हूँ, तो आपकी सारी परेशानियाँ कम होने लग जाएंगी। देखो बिल्कुल तो कीड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे, आप ये सोच रहे हो कि है ना बिल्कुल हमारे कीड़े आए ही ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लांट्स हैं तो कीड़े मकोड़े भी आएंगे, और बहुत सारे फ्रेंड्स भी कीट होते हैं और है ना एनिमीज भी होते हैं, दोनों ही तरह के कीट्स होते हैं। तो है ना आप उनको कंट्रोल करने के लिए अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो पहले से ही तैयारी शुरू कीजिए। जैसे पत्ती मुड़ने वाले रोग मिर्ची टमाटर में बहुत आते हैं, तो आप वो छाछ तांबे के बर्तन में रख के जो 2-3 दिन आपने स्प्रे करने को मैंने बताया हुआ है वो शुरू कीजिए। मेरे भी देखिए मिर्च में बिल्कुल पत्ते मुड़े हुए हैं और मैं अभी वो छाछ नहीं डाल पा रही हूँ 1 हफ्ते से, तो अब मैं बिल्कुल करने वाली हूँ उसको भी कल या परसों में। तो ये तो समस्या लगी रहेगी, ये चाहे कितना भी आपने ना अच्छी मिट्टी तैयार करी हो, कीड़े आना नहीं बंद कर सकते।
बस बात यही है कि आप उसको किस तरह से रोकें जिससे आपको सफल हो। बहुत लोग निराशा में बहुत बोलते हैं कि बिल्कुल बेकार है आप किचन गार्डन लगाना, तो सक्सेसफुल ही नहीं होते। हर चीज़ में, हर प्लांट में कीड़ा लग जाता है हमारे तो बढ़ने से पहले ही। देखिए ये तो फंगस की प्रॉब्लम है बिल्कुल सीधे सीधे। अगर आपके प्लांट्स बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल छोटे में ही आपके प्लांट्स मर रहे हैं, तो मतलब आपकी मिट्टी में फंगस है। तो ये छोटे छोटे इलाज अगर आप कर लोगे ना, तो मैं आपकी गारंटी देती हूँ कि बिल्कुल आपकी है ना किचन गार्डनिंग बहुत अच्छे से निकल के आएगी। पॉट का साइज़ क्या रखना है आप ये देखो, अगर आप अच्छे साइज़ के पॉट में सब्ज़ी लगाओगे तो सब्ज़ी अच्छी मिलेगी आपको। आप 9 इंच के गमले में अगर है ना, बहुत सारे लोग बता देते हैं गोभी टमाटर लगाओगे तो आप कैसे है ना बहुत अच्छा साइज़ पाओगे, आप खुद सोचो इस चीज़ को। तो थोड़ा सा है ना, आप मैं ये मान के चलती हूँ 12 इंच में कई बार हम अलाउ कर देते हैं कुछ सब्ज़ियाँ लगाना, और अच्छी भी लगती हैं जैसे चौले की फली, सेम की फली वगैरह है, पर है ना टमाटर भी लग जाता है 12 इंच के में, मैं खुद भी लगा लेती हूँ कई बार। गोभी भी लग जाएगी 12 इंच के में, पर उससे छोटे पॉट्स में तो आप सब्ज़ी ना लगाएं तो अच्छा है। देखो फिग पकने लगे हैं और 6-7 में तोड़ के खा चुकी हूँ, बड़े मीठे हैं मेरे इस पेड़ के फिग। और है ना भिंडी की तोड़ाई चल रही है, देख लो देखो आप सारे पत्ते मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब भिंडी में से 25% छोड़े होंगे मुश्किल से, बाकी सब हटा दिए मैंने। पॉट्स में हाथ देने में डर लगने लगा था मुझे बारिशों में, इतने घने हो रहे थे वो, तो सफाई कर दी है मैंने बिल्कुल। तो अब भिंडियाँ दिख जाती हैं मुझे आसानी से, नहीं तो नीचे वाली भिंडियाँ सब बेकार हो रही थी मेरी, पक पक के ना निकालनी पड़ रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने देखो। आप ये भी बहुत ज़रूरी है अपने प्लांट्स में से जो वीड्स हैं, खरपतवार है, और जो पत्ते बहुत घने हो रहे हैं वो क्या है आपके जो फ्रूट को है वो न्यूट्रिशन लेने से भी रोकते हैं थोड़ा सा, तो छांटते रहिए आप उनको। सफाई बहुत ज़रूरी है आपके प्लांट्स में, ऐसा नहीं है कि पूरे ही छांट दें हम, पर फिर भी पत्ते छांटना बहुत ज़रूरी है। देखो आप ये तैयार हो गई है मेरी बीन्स भी, और कुछ 4-5-6 करेले मिल जाएंगे शायद, वो भी निकाल लेते हैं, एक बार की सब्ज़ी बन जाएगी। सारा घर बाहर गया हुआ है, 2-3 जने बचे हैं हम लोग, तो ठीक से हो जाएगा काम। अच्छा, राइट टाइम पे बीज लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्वार की फली कब लगने वाली होती है, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे, तो वो फरवरी मार्च में लगने वाले, और मैं हमेशा आपको जानकारी देती हूँ इसकी कि कौन सा बीज किस टाइम पे हम लोगों को लगाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने की बात। थोड़ा सा जल्दी मैं हमेशा लगाती हूँ क्योंकि मैं ना चांस लेती हूँ, काफ़ी पुराने से मैं कर रही हूँ इसलिए मैं चांस लेती हूँ कि ठीक है थोड़ा पहले मैंने ये लगा दिया, अगर 2-3 पेड़ भी मेरे लग गए इसके तो मुझे बिल्कुल राइट टाइम पे, अर्ली टाइम पे टमाटर मिलने लग जाएंगे या गोभी मिलने लग जाएगी, तो ये मैं हमेशा करती हूँ। तो अगर आपके पास बहुत सारे पॉट्स हैं तो आप भी ये कर सकते हैं, अगर सीमित हैं तो आप बिल्कुल समय पर ही लगाएं चीज़ों को। तो ये 2-3 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, धूप का ध्यान रखें, पानी बहुत ज़्यादा ना दें, अब इस टाइम पर तो बिल्कुल ज़्यादा पानी ना दें, बारिशों का टाइम है, तो आप ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखेंगे ना, तो मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ आपको कि आप किचन गार्डन में बहुत सक्सेसफुल होंगे और सब्जियाँ उगती हैं। देखो मैं रोज़ हार्वेस्टिंग करती हूँ और कभी कभी मैं आपको वीडियोस भी दिखाती हूँ हर 2-3-4 दिन में इस चीज़ के, कि ये चीज़ें मैं रोज़ हार्वेस्टिंग, और गलत भी नहीं दिखा रही हूँ, जो चीज़ मेरे उतरती है आपको भी पता है, ये 3-4 चीज़ें अभी बहुत अच्छे से उतरती हैं, गिया भी या कभी कभी उतरती है तो लेके जाते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि किचन गार्डन नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है आपके, और बहुत अच्छी सब्जियां भी उतरती हैं। तो आप प्रयास कीजिए इन 2-3 छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के, तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा मेरी इन बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।